गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। विनोद मिश्रा, मनीष, मनीषा, संदीप, कैलाश, सोनू, कमलेश, राम प्रकाश, मांगीलाल, अवजीत, सभी को राम राम भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। चलिए स्टूडेंट, कल तो अपने क्विज नहीं कर पाए थे, कल अपने डिस्कस कर रहे थे बुक पब्लिकेशन को लेकर, है ना। लेकिन आज अपने क्विज सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी अपनी जो क्विज सीरीज चल रही थी अपने उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सभी रेडी हैं। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो फटाफट लाइक शेयर कर दें ताकि अपने इस क्विज को बहुत ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ा सकें। नागौर की धरती से राम राम भाई, राम राम। चलिए स्टूडेंट, बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज का सबसे पहला और एक शानदार क्वेश्चन। सोच के आंसर करना है, सोच के रिप्लाई देना है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, निम्न में से गलत कथन है, गलत कथन बताना है। और ये गलत कथन किस बात के लिए बताना है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए, जैसे कोई फर्टिलाइजर का बैग आता है तो नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर है वो दो तरह के आते हैं, एक तो अमोनिकल फॉर्म में आते हैं और दूसरा नाइट्रेट फॉर्म में। तीसरे जो है स्टूडेंट वो अमोनिकल प्लस नाइट्रेट फॉर्म में आते हैं और चौथे एमाइड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर आते हैं, NO3 बोले तो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर जो आते हैं। ठीक है, अब जो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं जनरली, अगर हम उन्हें, जैसे मान लो किसी बैग में आपको बता रखा है कि नाइट्रेट जो है वो 60% है और हमें उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, तो करेक्शन फैक्टर क्या है ना। तो ये NO3 जो है उसको हम क्या है इंटू 0.22 कर दें तो वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। दूसरा, ऐसे ही फास्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करें तो फास्फोरस है वो किस फॉर्म में आता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म में आता है। अगर हम उसको फास्फोरस में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.436 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो पोटासिक फर्टिलाइजर है जनरली वो किस फॉर्म में आते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड की फॉर्म में आते हैं। अगर हम इसे पोटास में कन्वर्ट करें तो 0.83 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, करेक्शन फैक्टर है वो दे सकते हैं क्या। डी ऑप्शन है कि जो चूना है यानी बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी हम बात करें सेलेक्ट लाइम की, तो अगर हम उसमें से कैल्शियम निकालना चाहें तो 0.71 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, करेक्शन फैक्टर है क्या। उसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको हम मैग्नीशियम में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.91 से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई फैक्टर है वो यूज कर सकते हैं क्या। थोड़ा सा टफ रहने वाला है, लेकिन ये सारे के सारे आपको याद कर लेने, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे BSc लेवल का, MSc लेवल का, चाहे 12th लेवल का, कोई सा भी एग्जाम दो, है ना, कोई सा भी एग्जाम दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ अभी फटाफट राइट आंसर क्या होगा। आंसर नहीं आ रहे हैं आज, क्या बात है भाई, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या शुरू में ही। थैंक यू खुशबू। हाँ बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच के पढ़ के आराम से तसल्ली से बताइए कि कौन सा इनमें से राइट आंसर है। गलत स्टेटमेंट बताना है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए स्टूडेंट, सबसे कम रिप्लाई आए हैं आज इस क्वेश्चन पे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, करेक्शन फैक्टर याद कर लेना। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी करेक्शन फैक्टर याद कर लेना। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, करेक्शन फैक्टर याद कर लेना। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये करेक्शन फैक्टर भी आप याद कर लेना। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। कई स्टूडेंट जो नन ऑफ दीज समझ के आंसर भी, इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे सही है। अगर ये कोई आंसर दे रहा है तुक्के के हिसाब से तो वो तो गलत ही है बिल्कुल, है ना। ये यहाँ पे हमने एक रॉन्ग स्टेटमेंट लिया है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम में बदलना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.61 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये आंसर है वो क्या होगा, राइट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर राइट जो आंसर है वो कौन सा है, ई ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका यहाँ आंसर भी लिख देता हूँ। ये आंसर है इसका ई ऑप्शन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपके पास किसी के पास इससे संबंधित कंटेंट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। जनरली ये जो करेक्शन फैक्टर है ना, ये अपने यूज करते हैं फर्टिलाइजर बैग में। जैसे नाइट्रेट है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। जस्ट उल्टा जो कन्वर्ट करना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेके आएंगे अपने। जैसे हमने यहां तो बात की कि नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, नाइट्रोजन में। कल को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, उनके लिए क्या फैक्टर आएंगे। फास्फोरस को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, पोटास को पोटेशियम ऑक्साइड में, कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप कौन सा करेक्शन फैक्टर लगाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन लाएंगे, तो ऑलमोस्ट जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सारे के सारे करेक्शन फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक टीएसएस होता है, हाईएस्ट टीएसएस कंटेंट इन विच वेराइटी। ए ऑप्शन है साहेब पसंद, बी ऑप्शन है जावेरी, सी ऑप्शन है कोंकण सम्राट और डी ऑप्शन है रुमानी और ई ऑप्शन है शाही सुगंधा। लिखा हुआ सुगंधा लिखना था, शाही सुगंधा। ठीक है, ई ऑप्शन है शाही सुगंधा। इनमें से आपसे यह पूछा गया है कि सबसे ज्यादा टीएसएस कंटेंट कौन सी वेराइटी के अंदर है। हाँ भाई, गुड इवनिंग सतीश, बड़ा बड़ा आंसर कीजिए इसका कि आम की, मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर टीएसएस कंटेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। टीएसएस कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है। देखो शाही सुगंधा की अगर मैं खास बात बताऊं तो इसमें सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको बाइसेक्सुअल, देखो आम है उसमें एंड्रोडायोसियस, देखो जो आम है उसमें कैसा फ्लावरिंग होता है, कैसा सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, एंड्रोडायोसिस देखने को मिलता है। एंड्रोडायोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एंड्रोडायोसिस का मतलब होता है कुछ फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होंगे और कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल यानी ऐसे फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जो कौन से होंगे, मेल फ्लावर होंगे। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो तो फर्टिलाइज हो जाएंगे। अब ये जो मेल फ्लावर है, मेल तो कभी प्रोडक्टिव होता ही नहीं, मेल तो सिर्फ क्या होता है, डोनर होता है। मेल कभी प्रोडक्टिव नहीं है, मेल सिर्फ क्या है, डोनर है। ये मैंगो की प्रॉब्लम है, ये मैंगो की प्रॉब्लम है। अब जितने ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उतनी ही अच्छी बात है, जितने ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उतनी ही अच्छी बात है, और जितने बाइसेक्सुअल फ्लावर कम होंगे उतनी ही फ्रूटिंग क्या होगी, कम, क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं होगा। मेल है वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो साई सुगंधा के अंदर सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। साई सुगंधा में याद रखना सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कितने होते हैं, 75.6% होते हैं। सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो शाही सुगंधा में होते हैं, 75.6% होते हैं, अच्छे से याद रखना। दूसरा, इसके बाद नंबर आता है कौन सी वैरायटी का, लंगड़ा का आता है। आपने पहले लंगड़ा पढ़ा होगा। अब लंगड़ा से ज्यादा किसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, शाही सुगंधा के अंदर होते हैं। लंगड़ा में 69.8% होते हैं। लंगड़ा में बाइसेक्सुअल फ्लावर कितने होते हैं, 69.8, यानी जो द्विलिंगी फूल है वो 69.8% होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं, रुमानी जो है वो ऐसी वेराइटी है जिसके अंदर सबसे कम बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, 0.74% ही होते हैं। रुमानी में सबसे कम बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं 0.74। जब यहां मैंने लंगड़ा लिख दिया है तो इस चीज का एक और ध्यान रखना, लंगड़ा में सबसे ज्यादा फ्लावर ड्रॉप की समस्या होती है, फूल फल झड़ने की, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, लंगड़ा रख दिया। फूल फल झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, लंगड़ा रख दिया गया। कोंकण सम्राट जो वेराइटी है ये भी आम की वेराइटी है, हाई टेम्परेचर के लिए टॉलरेंट होती है, अधिक तापमान को सहन करने वाली वेराइटी है कोंकण सम्राट। मैंगो की कौन सी वेराइटी है जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो सहन कर सकती है, तो कौन सी स्टूडेंट, कोंकण सम्राट। जावेरी की बात करें तो जावेरी में जो टीएसएस होता है वो 24 से 25 के बीच में होता है। कितना होता है, 24 से 25 के बीच में होता है जावेरी में। लेकिन इससे भी ज्यादा जो टीएसएस कंटेंट होता है वो साहेब पसंद में होता है। साहेब पसंद को वो ही पसंद है जिसमें टीएसएस बहुत ज्यादा है, 27 है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका ए ऑप्शन है वो राइट होगा। मैंगो की कौन सी वेराइटी में सबसे ज्यादा TSS कंटेंट होता है? तो क्या याद रखोगे? साहेब पसंद। और साहेब को वो ही पसंद है जिसमें TSS कंटेंट कितना है? 27% है। और दूसरे नंबर पे TSS किसमें मिलेगा? जावेरी में मिलेगा। और जावेरी में कितना होता है? 24 से 25 पे होता है। तो लगभग स्टूडेंट ने आंसर गलत दिया था। कुछ स्टूडेंट ने, जैसे अजय है, या पीछे भी जो कुछ कमेंट थे मैंने नहीं देखे, कुछ एक स्टूडेंट का ही सही था, बाकी सभी स्टूडेंट का गलत था। जितनी वेराइटियां थी उनके बारे में भी मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दिया। और सारे का सारा जो डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। पुअर मैन टॉनिक इज नॉन एज, गरीब आदमी का टॉनिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बिटर गार्ड यानी करेला, हॉर्स ग्राम यानी कुलथी, और उसके अलावा सोयाबीन। सोयाबीन बोले तो सोयाबीन ही होता है, सोचने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा पियर मिल्ट बोले तो बाजरा। इसका आंसर आप फटाफट दीजिए कि जो पुअर मैन है यानी गरीब आदमी है, उसका टॉनिक क्या है? पुअर मैन टॉनिक कौन सा है? फटाफट बताइए। पुअर मैन टॉनिक देखो सबसे नीचे दिया हुआ है पियर मिल्ट, है ना। देखिए पियर मिल्ट को अपने जनरली क्या बोलते हैं? पुअर मैन फूड बोलते हैं। पियर मिल्ट जो है यानी बाजरा, पियर मिल्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बाजरा को हम क्या बोलते हैं? पुअर मैन फूड बोला जाता है, गरीब आदमी का भोजन बोला जाता है। सोयाबीन को पुअर मैन मीट बोलते हैं। अच्छे से सुनना, गौर करना, जो आपका आंसर ठीक है वो ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। सोयाबीन को गरीब आदमी की मांस कहते हैं, गरीब आदमी का मांस कहते हैं, पुअर मैन मीट कहते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट इसको बोला जाता है पुअर मैन लैंड क्रॉप बोला जाता है, यानी गरीब आदमी की जमीन की फसल बोला जाता है सोयाबीन को, है ना। पुअर मैन लैंड क्रॉप भी बोला जाता है सोयाबीन को, और पुअर मैन मीट भी बोला जाता है। हॉर्स ग्राम है यानी कुलथी जो है, कुलथी को पुअर मैन पल्सेज बोला जाता है, गरीब आदमी की दलहन बोला जाता है। कुलथी को गरीब आदमी की दलहन बोला जाता है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करें करेला। करेला जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसलिए इसे गरीब आदमी का टॉनिक कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अपने गरीब आदमी का टॉनिक कहते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर चारों का डिस्कस हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टूडेंट, इसके अलावा गरीब से संबंधित, गरीब आदमी से संबंधित, है ना, सारी की सारी बातें कर लेते हैं अपने, फिर कोई बच ना जाए, है ना। पुअर मैन वेजिटेबल वेजिटेरियन मीट, पुअर मैन वेजिटेरियन, पुअर मैन मीट पूछ ले तो सोयाबीन है। पुअर मैन मीट पूछ ले तो किसको बोलेंगे आप? सोयाबीन को बोलेंगे। लेकिन यहां है पुअर मैन वेजिटेरियन मीट, तो आप बोलेंगे जैक फ्रूट को यानी कटहल को बोलेंगे। पुअर मैन्स वेजिटेरियन मीट यानी गरीब आदमी का शाकाहारी मीट कौन सा है? जैक फ्रूट है, कटहल है। पुअर मैन फ्रूट गरीब आदमी का फल बेर है। पुअर मैन एप्पल गरीब आदमी का सेब गुआवा है। मतलब गरीब आदमी का जो सेब है, पुअर मैन जो एप्पल है वो गुआवा यानी अमरूद है, वो गरीब आदमी का सेब है। फ्रूट ऑफ पुअर पीपल गरीब लोगों का भोजन, गरीब लोगों का भोजन पूछ ले तो कस्टर्ड है। पुअर आदमी का नहीं, पुअर पीपल का पूछ ले, यानी फ्रूट ऑफ पुअर पीपल्स पूछ ले तो कौन सा होगा? कस्टर्ड एप्पल होगा यानी सीताफल होगा। पुअर मैन ऑर्किड पूछ ले, वैसे तो ऑर्किड जो है उसको हम रॉयल फ्लावर कहते हैं, शाही फूल कहते हैं। ऑर्किडियस फैमिली का होता है और इस धरती पर कंपोजिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कुल है ऑर्किडियस। धरती पे सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है? सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी, जिसको आप एस्टर फैमिली या एस्ट्रेसी भी कहते हैं, या डेंसी फैमिली भी कहते हैं। वो तो है सबसे बड़ा कुल, उसके बाद ऑर्किडियसी। और ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसको आप रॉयल फ्लावर यानी शाही फूल कहते हैं। गरीब आदमी का ऑर्किड यानी जो सस्ता ही मिल जाएगा ना, तो गरीब आदमी का जो ऑर्किड है, पुअर मेन्स ऑर्किड है, वो सिजेंटस पिनेटस है, सिजेंटस पिनेटस है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है ये पुअर मैन ऑर्किड। ऑर्किड जो है वो जनरली यहाँ फ्लावर के लिए बात हो रही है। गरीब आदमी का बटर है ना, मक्खन, गरीब आदमी का मक्खन, बटर ऑफ पुअर है वो एवाकार्डो को बोलते हैं। और एवाकार्डो को बटर फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि फ्रेश फ्रूट के अंदर, ताजा फलों में सबसे ज्यादा फैट कंटेंट है वो एवाकार्डो में होता है। तो आप लोग फटाफट बताइए कि एवाकार्डो जो है उसमें कितना फैट कंटेंट होता है, फटाफट बताइए। पुअर में लीफी वेजिटेबल है ना, गरीब आदमी की हरे पत्ते वाली सब्जी, गरीब आदमी की हरे पत्ते वाली सब्जी है एमरेंथस यानी चोलाई। पुअर में जिनसेंग जो है वो है केरट यानी गाजर। पुअर मेन का जो जिनसेंग है वो है केरट यानी गाजर। पुअर मेन ऑरेंज जो है वो क्या है, टोमेटो। गरीब आदमी का संतरा है वो टमाटर है। पुअर मेन डिजीज, गरीब आदमी का जो रोग है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है यानी जीवाणु पत्ती झुलसा रोग है। पुअर मेन सब्स्टिट्यूट्स फॉर घी, गरीब आदमी के लिए जो घी है वो कौन सा है, गरीब आदमी के लिए जो घी है वो तिल का तेल है, सेसम ऑयल है। पुअर मेन सीरियल, गरीब आदमी का अनाज जो है वो फिंगर मिलेट है, कौन सा है, फिंगर मिलेट रागी। और पुअर मेन फूड पूछ लेते तो बाजरा पीरल मिल्ट होता, ठीक है। पुअर मेन रूट क्रॉप, गरीब आदमी की जड़ वाली जो फसल है वो है टेपोइका जिसको आप बोलते हैं कसावा। और गरीब आदमी का गोल्ड है वो कौन सा मिनरल है, पाइराइट है, कौन सा है स्टूडेंट, पाइराइट है। तो कोई भी गरीब का कुछ मामला बचा नहीं है मेरे हिसाब से, सारे का सारा आ गया है ना। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ना, अगर आपके पास कंटेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सोचा एक साथ इकट्ठा करके मामला दे देते हैं, बार बार कुछ बचेगा नहीं, दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन देना नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रोल मेजर अमंग These have greater effect on the non-target organism. कहने का मतलब है इनमें से ऐसी कौन सी नियंत्रण की विधि है जो गैर लक्षित जीवों यानी जिसको मारना है, जिस पेस्ट को मारना है उसको तो ठीक है, उसके अलावा दूसरों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, वो कौन सा कंट्रोल मेजर है, कौन सा नियंत्रण की विधि है। ए ऑप्शन है कल्चरल और फिजिकल यानी यांत्रिक और फिजिकल को अपने क्या बोलेंगे, चलो कल्चरल और फिजिकल आप भौतिक, हाँ भौतिक क्रियाएं, भौतिक नियंत्रण और कर्षण क्रियाओं द्वारा नियंत्रण है ये। दूसरा है मैकेनिकल यानी यांत्रिक नियंत्रण। तीसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी जैविक नियंत्रण। और चौथा है रासायनिक नियंत्रण यानी केमिकल कंट्रोल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें इतना बताना है कि इन चार यानी नियंत्रण तो पांच है क्योंकि शुरू वाले ऑप्शन में आपको दो दिए हुए हैं, यानी इन नियंत्रण में से ऐसा कौन सा नियंत्रण है जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव हमने टारगेट नहीं किया है उसको भी नुकसान पहुंचा देता है। तो इसमें तो अपने को कुछ ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है क्योंकि केमिकल कंट्रोल है वो टारगेट जो ऑर्गेनिज्म है उसके अलावा ये दूसरे जीवों को भी प्रभावित करता है और इसके रेजिड्यूस फसल में रह जाते हैं, उसको हम खाते हैं तब ये हमें भी प्रभावित करता है। और सभी का ये आंसर सही आ रहा है, किसी का गलत नहीं है। मैंने कहा था ना ये आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन है वो राइट होगा। कमेंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे रुद्रा बेटा, कैसे समझोगे आप, है ना। जब कमेंट पढ़ने की बारी आएगी तब कमेंट भी पढ़ेंगे, है ना। आपको तो चाहिए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और विद एक्सप्लेनेशन अच्छे क्वेश्चन मिले आपको, तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए। आपके कमेंट देखता रहता हूं मैं ना, और जब ज़रूरत आती है तब उनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, इनमें से एग्जॉस्टिव क्रॉप कौन सी है, सर्वग्राही फसल किसे कहते हैं। पल्सेज क्रॉप यानी दलहनी फसल, स्पाइसेज क्रॉप यानी मसाले वाली फसल, सीरियल क्रॉप यानी अनाज वाली फसल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। फटाफट बताइए। थैंक यू भाई रविंदर भारतीय। मनप्रीत ने तो ओल देखा और बिना देरी करते हुए ओल पे टिक कर दिया ना, सतीश ने भी ऐसा ही किया है। धीरेन्द्र का आंसर है सी, और उसके अलावा है रविंद्र भारतीय का भी सी, सारिका रावत का भी सी है, अर्जुन का भी सी है, मन्नत का भी सी है, और ललित का डी, संजय का डी, रुद्रा का डी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको समझना होगा एग्जॉस्टिव क्रॉप कौन सी होती है, जो जमीन को थका दे, यानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट है उनका जो अवशोषण करती है, बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, जो बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, न्यूट्रेंट का जो एब्जॉर्बेशन करती है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है पल्सेज तो एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं है। पल्सेज को तो हम जनरली एक तो रख लेते हैं कवर क्रॉप के अंदर, जो मिट्टी पर फैलती है और मिट्टी को कटने नहीं देती। दूसरी रिस्टोर क्रॉप है ये तो जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, रिस्टोरेटिव क्रॉप है ये ना। रिस्टोरेटिव क्रॉप का मतलब होता है जो मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है, उसको रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। तो ये तो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स है ना, पल्सेज क्रॉप तो है, ये तो मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ाती है, ये तो हो ही नहीं सकती। या तो आप इसको कवर क्रॉप में ले सकते थे, जो मिट्टी पर फैल के बढ़ती है, सॉइल इरोजन को नहीं होने देती। दूसरा रिस्टोर क्रॉप के रूप में ले सकते थे, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का काम करती है। स्पाइसेज क्रॉप जो है वो हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है स्टूडेंट। स्पाइसेज क्रॉप जो है कभी कभी हिंदी भाषा नुकसान कर जाती है, बिल्कुल कर जाती है ना। स्पाइसेज जो क्रॉप है जनरली मसाले वाली फसलें, लो न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट है, लो न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कम पोषक तत्व चाहने वाली है, ये भी एग्जॉस्टिव क्रॉप तो नहीं हो सकती है। अनाज वाली फसलें हैं, ये न्यूट्रेंट का जो अवशोषण है, एब्जॉर्बेशन है, वो ज़्यादा करती है, इसलिए इनमें से आप अगर एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, सीरियल क्रॉप्स को बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। और एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होती है ये भी ध्यान रखना है, ऐसी फसल जो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर उसमें अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हमें उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर स्टूडेंट अप्लाई करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है आप उनको एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फाउलिंग क्रॉप है, दूषण वाली फसल है। ये आंसर सोच के ही देना है। एक तो है कि अपलैंड पे, यानी जो ऊंचा एरिया ढलान वाला, वहाँ पे डायरेक्ट चावल के बीज लगा देते हैं, डायरेक्ट सोविंग कर देते हैं। दूसरा पल्सेज क्रॉप, तीसरा है शुगर केन और मेज, यानी गन्ना और मक्का, और डी ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए स्टूडेंट कि यहाँ दूषण वाली फसल कौन सी है, फाउलिंग क्रॉप कौन सी है, फटाफट बताइए। थैंक यू भाई रुद्रा। बताएंगे भी नीरज चौधरी, अरेबल क्रॉप भी बताएंगे, इसका आंसर दीजिए फटाफट। शाबाश, ए सी है ना, दीवान मौर्य ए, संदीप सी, गजानंद वर्मा सी, मुमकिल ए, सुप्रिया चौधरी ए, मन्नत का सी, अखिलेंद्र कुमार। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये जानना है फाउलिंग क्रॉप कौन सी होती है। स्टूडेंट फाउलिंग क्रॉप वो क्रॉप होती है, फाउलिंग क्रॉप वो क्रॉप होती है जो वीड को स्प्रेस नहीं करती है, वीड बहुत ज़्यादा उगने देती है, खरपतवार जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो वीड को बहुत ज़्यादा अलाउ करती है उसको बोलते हैं फाउलिंग क्रॉप या दूषित करने वाली फसल, यानी जो वीड को स्प्रेस नहीं करेगी, वीड को बहुत ज़्यादा अलाउ करेगी। इसीलिए तो धान में आप पडलिंग करके क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, जिससे वीड कंट्रोल होता है। वैसे पडलिंग मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है, इसीलिए हम पडलिंग करके बोलते हैं। अगर आप डायरेक्ट सीड सोविंग करते हैं उस धान में वीड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी और वो धान आपके लिए क्या होगा, फाउलिंग क्रॉप होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप ले सकते हैं स्टूडेंट ए है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी ऑप्शन को भी क्यों छोड़ना, उन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पल्सेज क्रॉप है, इनके लिए मैंने बोल दिया कि आप इनको रिस्टोर क्रॉप भी बोल सकते हैं, और पीछे मैंने बताया कि कवर क्रॉप है, वो भी आप इनको बोल सकते हैं। कवर क्रॉप यानी मृदा रक्षित फसलें जो मिट्टी पर फैल के बढ़ती है ना। शुगर केन और मेज दोनों के लिए मैं अगर कोई बेहतरीन एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पर एनर्जी क्रॉप है ना, एनर्जी क्रॉप बोल सकते हैं इनको। शुगर केन और मेज को हम एनर्जी क्रॉप बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो शुगर केन और मेज है उसको हम एनर्जी क्रॉप बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट ये बताइए फटाफट कि एनर्जी क्रॉप क्या होती है, एनर्जी क्रॉप आप किसे कहेंगे। जल्दी जल्दी बताओगे तो रुकता हूं, नहीं तो फिर मैं फटाफट सलटा के आगे चलता हूं। शुगर केन और मेज को एनर्जी क्रॉप में आप रख सकते हो। एनर्जी क्रॉप कौन सी होती है फटाफट बताइए, एनर्जी क्रॉप आप किसे कहेंगे, एनर्जी क्रॉप है वो किसे कहेंगे आप बताओ भाई, एनर्जी क्रॉप किसे कहेंगे। जेट्रोफा, मुझे एग्जाम्पल नहीं, मुझे पूछना था एनर्जी क्रॉप। देखो एनर्जी क्रॉप का मतलब है स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करती है, और जो बायोमास है वो हम किस में काम में ले सकें, कॉम्ब्यूशन में, जलाने में, और जिससे हम ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सके उसे एनर्जी क्रॉप कहते हैं। यानी जो बहुत ज़्यादा बायोमास उत्पन्न करती हो जिसको हम कॉम्ब्यूशन में, जलाने के अंदर काम में लें और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम एनर्जी क्रॉप बोलते हैं। उसमें बायोडीजल क्रॉप्स भी आ जाती है, जैसे जेट्रोफा है यानी रतनजोत है, होहोबा है, जोजोबा है, इस तरह की भी क्रॉप आ जाती है, और जिनका बायोमास ज़्यादा होता है वो क्रॉप भी आ जाती है। तो एनर्जी क्रॉप में ले सकते हो शुगर केन और मेज को। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंजीनियरिंग का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इज द ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑफ द पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन। खिंच की क्षैतिज रेखा जो गति की रेखा के समांतर होती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सेंटर ऑफ पावर, बी ऑप्शन है सेंटर ऑफ रेसिस्टेंट, सी ऑप्शन है लाइन ऑफ पुल, और डी ऑप्शन है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बोले तो मसौदा। बताइए भी इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि कोई क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज तो समझते हो ना, इस तरह की जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल रेखा है वो है, और इसने कहा कि ये जनरली क्या है पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन, जो लाइन ऑफ मोशन है मतलब जो खींचने की लाइन है उसके समांतर है, उसको आप क्या बोलेंगे फटाफट बताएं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला ए ऑप्शन था सेंटर ऑफ पावर। सेंटर ऑफ पावर वो है कि किसी भी आप हल या इंप्लीमेंट को, यंत्र को जो ट्रैक्टर से जिस पॉइंट से जोड़ते हैं वो सेंटर ऑफ पावर होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ रेसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जितने भी फाले हैं उनसे अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वहां पे एक बीच में एक ऐसा पॉइंट बनेगा जो क्या है, जो सेंटर ऑफ पावर है उसका रेसिस्टेंट करेगा, मतलब उसको खींचे तो यहां से जोर लगेगा जो उसमें अवरोध पैदा करेगा, उसके चलने में अवरोध। जो एक जगह से सबसे ज्यादा जोर लगेगा, एक पॉइंट पे सबसे ज्यादा जोर लगेगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रेसिस्टेंट। यानी यहां से आपको सबसे ज्यादा वो पॉइंट है जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जोर का जो केंद्र पॉइंट है उसको आप बोलते हैं सेंटर ऑफ रेसिस्टेंट बोलते हैं। प्रतिरोध का केंद्र है ये, और ये किसका केंद्र है, ये ऊर्जा का केंद्र है, और इनके बीच में बनने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ पुल बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, लाइन ऑफ पुल बोलोगे। और इस हल को खींचने में लाइन ऑफ पुल जो है इसके जो पैरेलल लाइन होती है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है स्टूडेंट ड्राफ्ट, है ना, ये क्या है ड्राफ्ट कहलाता है। तो आपसे तो पूछा गया था ड्राफ्ट, आप पता नहीं क्या उत्तर दे रहे हैं, मसौदा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ड्राफ्ट होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है स्टूडेंट, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बोले तो मसौदा होता है। इंजीनियरिंग के मैंने कुछ लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, उनमें मैंने आपको बता भी रखा है कि ड्राफ्ट क्या होता है। अगर साइड में बात करें, और साइड से जो पावर लग, साइड में चलने के लिए साइड जो निकली हुई है उसकी, उसके लिए जो पावर लगती है, ताकत लगती है, उसको हम साइड ड्राफ्ट कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। राइट आंसर लिख देता हूं मैं ताकि आप दोबारा जब देखें तो आपको समझ में आए बात। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, और बहुत बार ड्राफ्ट एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट ऑफ सोरगम। निम्न में से ज्वार का सबसे महत्वपूर्ण कीट कौन सा है? स्टेम बोरर यानी तना भेदक, गालमिज और उसके अलावा सूट फ्लाई यानी तना मक्खी और टर्माइट्स यानी दीमक। हालांकि लगते तो सारे के सारे कीट ज्वार के अंदर है, बस आपसे ये पूछा है कि इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है, ज्वार के लिए सबसे खतरनाक कौन सा है। ये आसान क्वेश्चन है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नंदनी का सी है, साक्षी का सी है, परवीन का सोरगम सूट फ्लाई, धीरेन्द्र यादव सूट फ्लाई, गजानंद वर्मा सी, सर्वेश ए, सतीश पटेल सी, अंजलि सूट फ्लाई, ललित का भी सूट फ्लाई। मतलब इतने सारे लोग सूट फ्लाई कह रहे हैं तो मैं भी मान ही लेता हूं कि सूट फ्लाई ही सही है ना, तना मक्खी ही सबसे खतरनाक है, मानना पड़ेगा। इतने लोगों ने एक साथ, लोकतंत्र है भाई, मेजोरिटी चलती है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, सूट फ्लाई, सोरगम सूट फ्लाई ही इसका राइट आंसर है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलो थोड़ा सा इसको मुश्किल कर लो, फटाफट इसका साइंटिफिक नेम बता दो, सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम बता दो, सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम बता दीजिए, फटाफट बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम, और वीट के लिए खतरनाक इंसेक्ट है इंडिया में टर्माइट, है ना, बहुत बढ़िया। इंडिया में वीट के लिए, अगर मैं बात करूं गेहूं के लिए खतरनाक इंसेक्ट की बात करूं तो कौन सा है? टर्माइट है। एटेरोगोनिया सोकाटा, बहुत बढ़िया, एथेरोगोनिया सोकेटा, बहुत बढ़िया, एथेरोगोनिया। सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? एथेरोगोनिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड वाज इस्टाब्लिश इन द, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तारीख तो सभी जानते हैं लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। एथिगोना सोकाटा, ठीक है, एस्थिगोना सोकाटा, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब आएगी? भाई वैकेंसी तो गहलोत जी जानी, मैं तो क्या जानू, मुख्यमंत्री तो आपने उनको बना दिया, मेरे से पूछा नहीं। नाबार्ड वाज इस्टाब्लिश इन द, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना आप लोग जानते हैं कब हुई थी, डेट बताइए फटाफट। आदि तो मैंने लिख दी है, आदि आप बता दीजिए। नाबार्ड की स्थापना कौन से सन में? 12 जुलाई 1982 में, है ना, 1982 के अंदर। अब बताओ 12 जुलाई 1982, तो उस समय कौन सी 5 ईयर प्लान चल रहा था? उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? उस समय भाई 5वां 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था, 6ठा 5 ईयर। मुझे पता है 1982 आपको पता है, लेकिन मैंने ये इसीलिए क्वेश्चन दिया है आपको, एग्जाम में आया हुआ भी है, जरूरी नहीं है कि वो उस हिसाब से ही पूछेगा, इस हिसाब से भी तो पूछ सकता है। 1980 से 85 के दौरान कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? 6 5 ईयर प्लान चल रहा था, 6 5 ईयर प्लान, यानी यहां पर सॉरी, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन, फिर भी 6 लिख दिया मैंने, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन राइट होगा। और ये कौन सी कमेटी की सिफारिश से बनाया गया? हालांकि नाबार्ड मैंने आपको पूरा करवा रखा है लेकिन फिर भी बता दीजिए किसकी सिफारिश से बना हुआ है। शिवरामन कमेटी यानी शिवरामन जो समिति है उसकी रिकमेंडेशन से, उसकी जो मतलब रिकमेंडेशन थी, उसकी रिकमेंडेशन से नाबार्ड है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना यानी 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आसान था लेकिन आधे से ज्यादा फेल हो गए ना, आधे से ज्यादा फेल हो गए, क्योंकि आप तो क्वेश्चन को रटते हैं, समझते कहां पे, समझते तो हो ही नहीं हो, समझोगे तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे ना। नेक्स्ट है बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ, बैक्टीरिया का संबंध है 4 स्टेटमेंट 3 ही है, चौथा तो आपके लिए एक ललचाने के लिए ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रेंट साइकिल इन सोइल हायर देन फंजाई, मतलब जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रेंट जो साइकिल होती है उसमें कवक से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पहला तो स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो न्यूट्रेंट साइकिल है यानी जो पोषक तत्व चक्कर है उसमें ये एल्गी से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एल्गी से ज्यादा होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ये न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर जनरली क्या है, एक्टिनोमाइस्टीज से भी ज्यादा क्या है रोल प्ले करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और डी ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ अबो, यानी सारे के सारे ही सही है। विनय भाई नमस्ते, कनौज से नमस्ते भाई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच के आंसर देना है और कोशिश करो कि अच्छा आंसर दो। देखिए स्टूडेंट, आपने आज तक जितने भी न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही तो पढ़ा है। फंगस से भी ज्यादा बैक्टीरिया है, एल्गी से भी ज्यादा बैक्टीरिया है और एक्टिनोमाइस्टिज से भी ज्यादा बैक्टीरिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ द अबोव, यानी उपरोक्त सभी। जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने ललचा कर गलत कर दिया तो ये भी डी में गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, है ना, राइट आंसर डी ऑप्शन। कॉन्फिडेंस रखिए, कम से कम झूठ बोलो तो ऐसी तो बोलो कि अगले की आंखों में आंखें डाल के बोलो तो अगले को झूठ भी तो सही लगे। तुम तो पहले ही घबरा गए, मैंने बोल दिया कि ललचाने के लिए दिया तो किसी ने आंसर ही नहीं दिया डी। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर इन्वॉल्व जो होते हैं मिट्टी में, वो सबसे ज्यादा हमेशा बैक्टीरिया ही रहेंगे, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो एक्टिनोमाइस्टीज है। इन सबसे ज्यादा फर्स्ट में बैक्टीरिया ही होते हैं, दूसरे में एक्टिनोमाइस्टीज होते हैं और तीसरे में फंगस होते हैं। बिल्कुल सही है रुद्रा, फर्स्ट में बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे में एक्टिनोमाइस्टीज होते हैं और तीसरा जो होता है वो फंजाई होते हैं। तो अच्छे से याद रखना है, फर्स्ट में सॉइल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट बैक्टीरिया, दूसरे कौन से हैं एक्टिनोमाइस्टीज है और तीसरे कौन से होते हैं फंजाई होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, क्वेश्चन में मजा आ रहा है तो लाइक शेयर करने पर पूरा ध्यान दीजिए। मैं क्वेश्चन पर ध्यान दे देता हूँ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सीधा मैंने पेपर से उठाया है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पेपर से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, टाइप भी नहीं किया। तो इसका बताओ भी, किसान क्रेडिट कार्ड ए का राइट आंसर क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड कब आया। बी ऑप्शन है मैक्रो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कब आया। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आई। और चौथा है रूरल गोदाम योजना यानी रूरल गोडावन स्कीम है वो कब आई थी। तो यहां पर बताओ ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा। मैचिंग के साथ बताओगे तो मैं समझ पाऊंगा, अदरवाइज सीधे आंसर देते रहे 1 2 3 तो मेरे समझ में नहीं आएगा ना भी। आप किसका आंसर दे रहे हैं फटाफट बताइए। अब आप लोग बोल रहे थे कि कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, अब दे रहा हूं मैं ध्यान, बताइए आंसर दीजिए। मन्नत का ए का डी, मोटिवेशनल वीडियो मेकर का भी एक फर्स्ट का 4, मेलिस का 1 का तीसरा, अरविंद का 2 3 1 4, अंकित का पहले का 4, बाकी का अभी एक का ही आंसर आया है। नीरज का पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा। चलिए गौर फरमाइए, किसान क्रेडिट कार्ड 98 में आई तो 98 99 1 का 4। मैक्रो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आया था 2000 2001 के अंदर, बी का था तीसरा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 2000 में आई थी, सी का दूसरा है। रूरल गोडावन स्कीम 2001-2 में आई थी, इसका पहला। जस्ट उल्टी गिनती लिख देते काम बन जाता, जस्ट उल्टी गिनती लिख देते तो काम शायद बन जाता। तो राइट आंसर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मनन कर लेना आराम से बाद में। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राइस क्रॉप शुड बी हार्वेस्ट व्हेन द ग्रेन हैव, धान को कब काटना चाहिए कि उसमें कितनी नमी है तब उसको काटना चाहिए। धान को कब काटना चाहिए, धान को कब काटना चाहिए, जब उसके दाने में कितनी नमी हो तब काटना चाहिए। फटाफट बताओ भाई, धान की कटाई है वो कब करनी चाहिए, कितना % उसके दाने में मॉइस्चर हो तब अपने कटाई करनी चाहिए। नंदनी ए, नीरज 4, मोटिवेशनल का 20, दीपक का डी ऑप्शन। बताइए भी फटाफट। देखिए स्टूडेंट गौर करिएगा, मैंने यहाँ कटाई पूछा है, स्टोरेज नहीं पूछा है। पहली बात तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो सीरियल्स है उनमें जनरली अपने स्टोरेज कब करते हैं, जब दानों में 10 से 12% मॉइस्चर होता है। जो अनाज है उनमें स्टोरेज कब करेंगे, जब दानों में 10 से 12। यहां पे बात की गई है हार्वेस्टिंग की। मोस्ट ऑफ जो सीरियल क्रॉप है उनमें 18 से 25% दानों में जब नमी होती है तब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ सीरियल सारे के सारे एक साथ ही याद कर डालिए, सारे के सारे एक साथ ही याद कर डालिए। जितने भी अनाज है उन सब की हार्वेस्टिंग अपने को तब करनी होती है जब उसके दाने में 18 से 25% नमी रहती है। कितनी नमी रहती है? 18 से 25% नमी रहती है। और जो पल्सेज क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, उनको आप 20 से 25% नमी पर हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन जिनके अंदर थोड़ी फली चटकने की समस्या ज़्यादा है, सेटरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनमें थोड़ा सा आप ज़्यादा मॉइस्चर पे हार्वेस्ट करेंगे। तो किसी भी सीरियल का पूछ ले कि उसके दानों में कितनी नमी हो तब उसको हार्वेस्ट कर लें, तो 18 से 25% मॉइस्चर पे हार्वेस्ट किया जाता है। और जो पल्सेज है, दलहन है, उनको 20 से 25% दानों में मॉइस्चर होता है तब हार्वेस्ट किया जाता है। नोट कर लेना। और इस तरह से कई बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी दिया, लेकिन आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने इसका आंसर है वो गलत भी दिया है, और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बात नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। 18 से 25 के बीच में मैच करने वाली बात कौन सी है? यहां पे बात है 20% की। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। Which one of the following instrument is used for measuring solar radiation? ये पूछ रहा है आपसे, सौर विकिरण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना, ये पूछा है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। ये सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है। आज मैंने 3 से 4 क्वेश्चन सिंपल भी लिए हैं साथ में। लेकिन थर्मामीटर में तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तापमान को मापता है। इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो उठा रहा हूं मैं। थर्मामीटर तापमान मापता है। ईओप्रोमीटर जो होता है, ये ईओप्रोमीटर जो होता है, ये जनरली कोई भी मोइस्चर होती है उससे इवोपरेशन जो होता है, वाष्पीकरण होता है, उसको मापने का काम करता है। और ये जो ल्यूसीमीटर है स्टूडेंट, ये जनरली सौर विकिरण को मापता है। ल्यूसीमीटर है, ये सौर विकिरण को मापने का काम करता है। राइट आंसर है सी ऑप्शन। बट आप मुझे बता दीजिए, अस्मन साइक्रोमीटर क्या मापता है? अस्मन साइक्रोमीटर क्या मापता है? अस्मन साइक्रोमीटर क्या मापता है, ये बताइए फटाफट। अस्मन साइक्रोमीटर क्या मापता है? इसका तो ठीक है, ल्यूसीमीटर कंसीडर कर लिया गया, मतलब सही मान लिया गया है, मान लिया गया मतलब है ही सही। आप बताइए डी है वो मीटर किसके लिए यूज होता है? जो अपने अस्मन साइक्रोमीटर है, ये किसके लिए यूज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। मुझे पता था रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। एम्बिएंट कंडीशन में, यानी जो नॉर्मल वातावरण है, खुला वातावरण है, उसमें तापमान और आर्द्रता दोनों को मापने का काम करता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को ही मापने का काम करता है अस्मन साइक्रोमीटर। नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सी है, लेकिन जो अस्मन साइक्रोमीटर है ये एम्बिएंट कंडीशन का, यानी जो वातावरण है उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही मापने का काम करता है, दोनों को ही मापने का काम करता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये भी याद रखना है। ये आप लोगों ने सिर्फ साइक्रोमीटर के हिसाब से रिप्लाई किया है, ह्यूमिडिटी नहीं। एम्बिएंट कंडीशन का टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों को ही मापने का काम करता है। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन में। पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सोच समझ के आंसर देना है। ए मंथ इज सेड टू बी ह्यूमिड व्हेन, एक महीने को आर्द्र कहा जाता है जब। मतलब एक महीने को हम आर्द्र महीना कब बोलेंगे? देखो पहला ये बोल रहा है कि ए मंथली पोटेंशियल इवोपरेशन एक्सीड द मंथली पर्सिपिटेशन, यानी एक महीने में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, उसको हम बोलेंगे। बी ऑप्शन है कि द मंथली पोटेंशियल इवोपरेशन इज इक्वल टू मंथली पर्सिपिटेशन, एक महीने में जितनी बारिश हो रही है उतना ही वाष्पीकरण हो रहा है। तीसरा ये बोल रहा है द मंथली पर्सिपिटेशन एक्सीड मंथली पोटेंशियल इवोपरेशन। ये कह रहा है एपोट्रांसपायरेशन की बात हो रही है। पहले में तो ये कह रहा है कि बारिश हो रही है उससे ज्यादा वाष्पीकरण वाष्पोसर्जन ज्यादा हो रहा है यानी एपोट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रहा है। दूसरे में ये कह रहा है कि जितनी बारिश होती है उतना ही एपोट्रांसपायरेशन होता है यानी वाष्पीकरण वाष्पोसर्जन उतना ही हो जाता है। तीसरा ये कह रहा है कि जितनी बारिश होती है जितना वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन होता है जितना एपोट्रांसपायरेशन होता है उसकी तुलना से बारिश ज्यादा होती है। सी बात ये बोल रहा है और डी बोल रहा है कि सारी बातें ही ठीक है। डी बोल रहा है कि सारी बातें ही ठीक है। तो सोच के फटाफट इसका रिप्लाई करिए। लंबा क्वेश्चन है, आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल। आपने किसी भी एग्जाम में जनरली देखा होगा, इवन 12वीं लेवल पे आईसीआर का जो एग्जाम होता है उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसे 30-40 क्वेश्चन एक एग्जाम में आ जाते हैं तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। सिंपल है, अगर बारिश कम है वाष्पीकरण वाष्पोसर्जन ज्यादा है यानी एपोट्रांसपायरेशन ज्यादा है, फिर काई का आदर महीना है, हो ही नहीं सकता है। बारिश के बराबर ही हो रहा है फिर काई का आदर महीना है। हाँ, बारिश ज्यादा हो रही है, एपोट्रांसपायरेशन वाष्पीकरण वाष्पोसर्जन कम हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन है। सिंपल बात है, क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ पढ़ना ही था, है ना। जिसने ढंग से पढ़ लिया उसने ढंग से रिप्लाई कर दिया, जिसने ढंग से पढ़ लिया उसने ढंग से रिप्लाई कर लिया। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस की आदत डाल लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने आप लोगों से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अर्का सुरक्षा प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। अर्का सुरक्षा कार्यक्रम किस बात से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनरली जो पर्पल ब्लोच होता है प्याज का, है ना, पर्पल ब्लोच, उसके मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है। दूसरा ये कह रहा है कि मटर के अंदर जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है उसके मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। तीसरा ये कह रहा है कि आम में जो अल्टरनेट बियरिंग होती है यानी एकांतर फलन होता है उसके प्रबंधन का प्रोग्राम है। और तीसरा ये कहता है कि टमाटर का लीफ कर्ल डिजीज जो होता है, पत्ती मोड़क जो रोग होता है, उसके प्रबंधन का एक प्रोग्राम है। तो बताइए अर्का सुरक्षा प्रोग्राम है वो किस बात से संबंधित है? अर्का सुरक्षा प्रोग्राम है वो किस बात से संबंधित है? अर्का सुरक्षा प्रोग्राम किस बात से संबंधित है? अंजलि ने बोला डी, धीरेंद्र ने बोला बी, वीरेंद्र ने बोला डी, गजानंद वर्मा ने डी, अंजू बाला ने बोला ए, सनी चौधरी ने डी, खेमराज सी, सर्वेश डी, आदित्य सिंह। अर्का सुरक्षा इज प्रोग्राम, प्रोग्राम की ही बात हो रही है। अंकित सिंह तोमर बी, अर्जुन चौहान डी, मोमकिल सी, ललित का डी। बताओ भाई क्या राइट होगा यहाँ पे? क्वेश्चन जब लेवल के आते हैं तब आपके आंसर गलत होने लग जाते हैं। चलिए सुन लिए, काम का क्वेश्चन है और नोट कर लेना ना, अपना जो नॉलेज की डिक्शनरी है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ना। अर्का सुरक्षा जो कार्यक्रम है जनरली प्याज में होने वाला पर्पल ब्लोच जो अल्टरनेरिया पोरी कवक की वजह से होता है ना, अल्टरनेरिया पोरी, पर्पल ब्लोच जो प्याज में होता है ना, प्याज का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? पर्पल ब्लोच है। इस पर्पल ब्लोच के नियंत्रण के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक प्रोग्राम है, मैनेजमेंट के लिए एक प्रोग्राम है। इसके अंदर बेसिलस लिचेनीफॉर्मिस जो है, बेसिलस लिचेनीफॉर्मिस जो बैक्टीरिया है उसका उपयोग किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जैविक नियंत्रण में। यानी एक तरह से ये किसके लिए, पर्पल ब्लोच का जो रोग कारक है अल्टरनेरिया पोरी, उसके लिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है यानी उसको खत्म करने का काम करता है। और उसके लिए जो चलाया गया प्रोग्राम यानी पर्पल ब्लोच को जैविक तरीके से खत्म करने के लिए चलाया गया प्रोग्राम है अर्का सुरक्षा प्रोग्राम, ठीक है। और ये कौन सा यहाँ पे एक तरह से एंटीगोनास्टिक एजेंट है वो काम में लिया गया है, बेसिलस लिचेनीफॉर्मिस लिया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन का आंसर था वो राइट था, बहुत ही रेयर क्वेश्चन, बहुत ही रेयर स्टूडेंट के आंसर राइट थे यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चनों में अच्छा दम है और तुम्हें फायदा है तो लाइक शेयर में कंजूसी मत किया करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। कुछ बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे और जो हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी कोर्सेज के लिए, वो स्टार्ट हो रहे हैं 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल से नए बैच स्टार्ट है वो हो रहे हैं। पोमोलॉजी में लेटिन और ग्रीक, पोमम प्लस लोगस से बना हुआ है। पोमम लेटिन का है और लोगस है वो ग्रीक का है। तो पोमोलॉजी जो है स्टूडेंट वो लेटिन प्लस ग्रीक का वर्ड है और दोनों में से एक चुनना पड़ जाए, दोनों में से एक चुनना पड़ जाए तो आप चुनेंगे लेटिन, क्योंकि मुख्य अर्थ देता है पोमम। पोमम मतलब होता है फ्रूट। वैसे पोमम है वो लेटिन का है और लोगस है वो ग्रीक का है, तो लेटिन प्लस ग्रीक का है। ठीक है भाई कैलाश साहू, और दोनों में से एक चुनना हो तो आपका नाम हम बोलें कैलाश कुमार। कुमार एक है वो कॉमन नेम नहीं, कुमार है वो सबके पीछे लगता है। तो वैसे ही लोगस है वो तो सबके पीछे ही लगता है, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, पैथोलॉजी। तो लोगस मुख्य अर्थ नहीं देता है, एक ही शब्द चुनना पड़े फिर लेटिन चुनोगे, अदरवाइज लेटिन प्लस ग्रीक का। दोनों ऑप्शन दिए हैं तो दोनों ही राइट करोगे, लेटिन प्लस ग्रीक। थैंक यू भाई परवीन। वन क्रॉप वन सेशन लेके आए, वन क्रॉप वन सेशन नहीं, अपने जोरदार क्वेश्चन के सेशन ही रखेंगे ना। वन क्रॉप वन सेशन लेके आएंगे तो जनरली क्या होगा स्टूडेंट, आधे से ज्यादा क्वेश्चनों के अनुमान ही लग जाते हैं। थैंक यू भाई अरविंद। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं कल फिर वो ही 9:15 बजे। तो बने रहिए लगातार इस क्विज में और जितने भी क्विज आप लोग देखते हैं आपकी ड्यूटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपको लगता है कि अच्छा है तो फिर आपको शेयर करना चाहिए, ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। बिल्कुल एएफओ में बीटेक एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। कोर्सेज के लिए नंबर दिए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कोर्सेज प्राइस जो भी ज्वाइन करना है ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट मिलते हैं कल 9:15 बजे। गुड नाइट, थैंक यू।